वेलकम बैक टू मैडी कोको गाइज। आज मैं आपके साथ ये इलेक्ट्रिक साइकिल विच इज़ दी ऑटोनिक्स ईवी ईजी, इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। मैंने इसे एक साल के लिए यूज़ किया और ये रिव्यू मैं एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं शेयर करूँगा बल्कि एज अ कस्टमर शेयर करूँगा, क्योंकि जी हाँ, ये साइकिल मुझे कंपनी ने नहीं भेजी थी, ये साइकिल मैंने खुद खरीदी थी। काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया मैंने इसे, मुझे कस्टमर सर्विस की ज़रूरत पड़ी है। ये साइकिल मेरे से गिरी भी है, पार्ट्स वार्ट्स लूज़ हुए हैं, मैंने इसे अच्छे खासे ड्यूरेशन के लिए चलाया है, एक्सपीरियंस तो मुझे अच्छा मिल गया है। तो यप, एक साल कैसा रहा ऑटोनिक्स ईवी ईजी के साथ, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये ही साइकिल क्यों खरीदी? वेल, मुझे पतले टायर वाली एक फोल्डेबल इलेक्ट्रिक साइकिल चाहिए थी और मार्केट में मुझे प्रोमिनेंटली चार ऑप्शन दिख रहे थे। एक था हीरो इलेक्ट्रो C9, दूसरा था ऑटोनिक्स ईवी ईजी, तीसरा था स्विच का MXE और चौथा था क्यूबिट का X1 और X2। तो इन चारों ऑप्शंस में से मैंने ये ही साइकिल क्यों चूज़ करी? नाउ जस्ट हियर दिस आउट। हीरो इलेक्ट्रो C9 का कॉस्ट है 47,000 और रेंज है 40 किलोमीटर्स। स्विच MXE का प्राइस है 67,000 और उसका रेंज है 45 किलोमीटर्स। ऑटोनिक्स ईवी ईजी का, विच इज़ दिस साइकिल, इसका प्राइस है 42,000 और रेंज है 62 किलोमीटर्स। क्यूबिट X1 है 53,000 का और रेंज है 30 किलोमीटर्स। गाइज, ये नंबर देख के नज़र एक ही साइकिल पे जाती है, विच इज़ दी ऑटोनिक्स ईवी ईजी। तो यब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर था, मुझे ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही थी जस्ट प्राइस टू रेंज का रेशियो के बेसिस पे। फिर इसके मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे, कस्टमर रिव्यूज़ देखे और मुझे ये डिसेंट साइकिल लगी, इसलिए फिर मैंने इसे ख़रीद ली। एक काम करता हूँ, इसके बारे में आगे मैं आपको ऊपर के रोड पे चल के बताता हूँ, क्योंकि ये एरिया बहुत शांत है, ऊपर का रोड भी बहुत अच्छा है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको ये बोल रहा था कि मैंने, विच आई मेंशनड चार ऑप्शंस, वो चार ऑप्शंस भी कंसिडर किए थे, बट दिस साइकिल सीम्ड टू बी द वाइजेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कम प्राइस में ज़्यादा रेंज दे रहा है ये। मैंने इस साइकिल की कंपनी को एक्चुअली कॉल किया, ऑटोनिक्स को, और उनको पूछा कि मुझे पुणे में साइकिल का टेस्ट राइड कहीं पर मिल सकता है क्या, जिस पे देवर लाइक नोप, वी डोंट हैव टेस्ट राइड फैसिलिटी अवेलेबल इन योर सिटी। तो मैंने बिल्कुल वही किया जो मैं कभी रेकमेंड नहीं करता आपको करने को। मैंने बिना साइकिल ट्राई किए, बिना शोरूम विजिट किए, ऑनलाइन ही ख़रीद लिया जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लक। मुझे लगता है ये साइकिल काफ़ी अच्छी निकली एंड आई एम एन्जॉइंग इट सो फार, एंड आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग दिस रोड। चलो, अब साइकिल तो अच्छी निकली, मुझे मज़ा आ रहा है, रास्ता भी अच्छा निकला, बट बिकॉज मैं मज़े कर रहा हूँ डजेंट मीन ये साइकिल परफेक्ट है। दिस साइकिल इज़ नॉट परफेक्ट बाय एनी गिवन मेजर, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और अगर आपने पूरा रिव्यू वीडियो देखा, फुल रिव्यू इस साइकिल का, यहाँ से टर्न ले लेते हैं, अगर आप इस साइकिल के बारे में पूरा रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और मैंने एक और वीडियो बनाया था स्पेसिफिकली अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट आई फील अबाउट दिस बाइक। ये साइकिल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जब इसे फोल्ड करते हैं तो इसका आगे का पहिया पेडल के अंदर अटक जाता है बहुत बार, सो दैट इज़ एन इशू। फिर जब मैं साइकिल का बैटरी अंदर डालता हूँ तो बैटरी घिसती है कैरियर पे, दैट इज़ अनदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो प्रॉब्लम्स है बट मेरे पर्पज़ के लिए ये काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर रही है एंड इट्स सर्विंग माई पर्पज़। तो ये था मैंने ये ही साइकिल पर्टिकुलरली क्यों खरीदी, कहाँ से खरीदी और मैंने और क्या क्या ऑप्शंस कंसिडर किए थे और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, विच इज़ ओवरऑल क्वाइट पॉजिटिव। अब ऑटोनिक्स के कस्टमर सर्विस के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल, कस्टमर सर्विस तक पहुँचने के पहले मैं आपको
पूरी कहानी बताता हूँ। ये साइकिल मेरे से गिर भी गई थी, मेरी गलती थी। मैं एक हाथ से चला रहा था और एक हाथ से ब्लूटूथ ईयरबड्स का सॉन्ग चेंज कर रहा था, और वही टाइम पे एक छोटे से खड्डे के अंदर आगे का व्हील फंसा और मैं ट्रिप होके सामने गिरा। फॉर्चुनेटली आई एस्केप्ड विथ माइनर इंजरीज, मुझे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बट साइकिल की हालत थोड़ी बहुत ख़राब हुई थी। ओह, दिस इज़ अ नाइस एरिया। तो फॉर्चुनेटली मुझे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, आई एस्केप्ड विथ माइनर इंजरीज, लेकिन साइकिल की हालत थोड़ी बहुत ख़राब हुई थी। यहाँ वहाँ स्क्रूज ढीले हुए थे, समहाउ मैं घर तक साइकिल चला के ही लेके जा पाया। और घर में जाके जब मैंने डायग्नोज किया, इट वॉजेंट एनीथिंग मेजर, बस स्क्रूज यहाँ वहाँ टाइट करके एलन की ज़रूरत पड़ी मुझे, एंड इट वॉज ऑल सॉर्टेड। द साइकिल वॉज फंक्शनिंग जस्ट फाइन राइट आफ्टर दैट। तो आपको लगता रहेगा कि अब तक तो कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है, आई एम एंजॉयिंग द साइकिल, साइकिल गिरने के बाद भी अच्छे से चल रही है, क्योंकि मैंने अब तक नेगेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करना शुरू नहीं किया है। एक्चुअली पहले का एक चीज़ नेगेटिव आपको बताना भूल गया मैं। मैंने वैसे ही साइकिल खरीदी जैसे मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, बिना टेस्ट राइड लिए। मैंने इसे ऑनलाइन खरीदने का सोचा, लेकिन जब मैंने ऑटोनिक्स को कॉल किया जस्ट टू कन्फर्म कि ऑनलाइन मेरे को सही से साइकिल मिलेगी ना, और मुझे कुछ स्पेयर्स चाहिए थे वो मिलेगी ना, और मुझे टेस्ट राइड मिलेगी क्या, वो पूछने के लिए मैंने कॉल किया, तो टेस्ट राइड तो मना हुआ। और कंपनी ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप अमेज़ॉन से मत खरीदो, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके ट्रांसफ़र करके खरीद सकते हो, आपको प्रॉपर बिल वगैरह मिलेगा एंड इट वुड बी जस्ट द सेम। प्रॉबेबली ही सेड सो टू सेव अमेज़ॉन का कमीशन, एंड आई वॉज़ फाइन विद दैट। मुझे प्रॉब्लम नहीं था, एज लॉन्ग एज मुझे कंपनी अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, मेरे जो भी कंसर्न्स है उसे अच्छे से एड्रेस करे, आई वॉज प्रिटी मच फाइन विद दैट। तो मैंने फ़ोन पे ही उनसे साइकिल खरीदी। खरीदते वक्त मैंने उन्हें एक और चीज़ बोली थी कि मुझे साइकिल की एक्स्ट्रा ट्यूब और एक एक्स्ट्रा टायर चाहिए, तो वो टाइम उन्होंने बोला कि हाँ मैं भेजता हूँ। बट साइकिल मेरे पास आ गई, लेकिन उसका व्हील और टायर नहीं आया। हालांकि उन्होंने कोटेशन भी अब तक मुझे नहीं भेजा, बट प्रोडक्ट भी नहीं भेजा जो मैंने पूछा था, विच वॉज इट्स ट्यूब एंड टायर। साइकिल जब मैंने रिसीव करी तब मैंने चेक किया कि हाँ ट्यूब और टायर नहीं है। मैंने उन्हें वापस रिमाइंड किया टू सेंड मी दैट एंड ऑल्सो सेंड मी द कोटेशन, बट ना ही कोटेशन आया और ना ही जो मैंने मांगा ट्यूब टायर वो आया। तो ये था मेरा पहला नेगेटिव एक्सपीरियंस ये साइकिल के साथ ऑर्डर करते ही। फिर अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में आगे चलते चलते। फिर जैसे मैंने आपको बताया मेरे से साइकिल गिरी थी, गिरने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, घर में जाके स्क्रूज टाइट किए एंड इट वाज जस्ट वर्किंग फाइन। लेकिन अपने आप एक महीने के बाद साइकिल बंद पड़ गया, मुझे पता नहीं क्यों, बस साइड में रखा हुआ था एंड उसके दो तीन दिन पहले मैंने इसे चलाया था, इट वाज वर्किंग फाइन, एंड आउट ऑफ नोवेयर साइकिल बंद पड़ जाता है। ना आई एम वंडरिंग क्या करूँ, अभी वापस मुझे कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, विच आई डू। मैं उनसे बात करता हूँ और बहुत बार आगे पीछे काफ़ी बैक एंड फोर्थ के बाद मुझे काइंड ऑफ मदद मिलती है। दिस इज क्वाइट स्टीप, वो अच्छा तो हुआ क्या, बात ऐसी हुई कि फिर मैंने कस्टमर सर्विस को कॉल किया, काफ़ी बैक एंड फोर्थ करने के बाद मुझे काइंड ऑफ ही मदद मिली, पूरे अच्छे से मदद नहीं मिली। बिकॉज मैं सबसे पहले आपको बोलता हूँ मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, मैं एक्सपेक्टेशन ये रखा कि मैं उन्हें कॉल करके बताऊंगा कि मेरे साइकिल में प्रॉब्लम ये है, चालू नहीं हो रही है, और वो कोई टेक्नीशियन अरेंज करेंगे जो घर में विजिट करके डायग्नोस करेगा, चेक करेगा जो भी प्रॉब्लम है, और पार्ट चेंज करके या जो भी प्रॉब्लम है रिपेयर करके ही विल गो एंड द साइकिल विल बी फाइन। दिस इज़ व्हाट माई एक्सपेक्टेशन वॉज।
हुआ क्या, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, वो मुझे दूसरे नंबर पे कॉल करने के लिए बोलते हैं, वहाँ से मुझे अच्छे से असिस्टेंस नहीं मिलता है, मैं वापस उन्हें कॉल बैक करता हूँ, वापस बैक एंड फोर्थ होता है, एंड फाइनली वो एक टेक्नीशियन का नंबर देते हैं जिन्हें मैं कॉल करता हूँ, और वो मुझे वीडियो कॉल पर बताते हैं कि साइकिल का कौन सा पार्ट खोलना है, कंट्रोलर कहाँ से एक्सेस करना है, कंट्रोलर के कौन से वायर्स निकालने हैं, ये सारे डिटेल्स मुझे वीडियो कॉल पे मेरे साथ शेयर किए जाते हैं टेक्नीशियन के द्वारा, विच वॉज नॉट कन्वीनियंट। ज़रूर वो टेक्नीशियन अच्छे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया, मदद करी, एंड आई हैड नो प्रॉब्लम विद दैट टेक्नीशियन पर से, बट आई हैड प्रॉब्लम विद द सर्विस, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे आके कोई आके सॉल्व करके चला जाएगा, बट मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे अपना दूसरा काम साइड में रखे 2 घंटा वगैरह कुछ ये ही कर रहा हूँ। तो टेक्नीशियन के मदद से मैं नीचे का कंट्रोलर खोलता हूँ, वायर्स वगैरह निकालता हूँ, और उन्हें ऐसा लगता है कि डिस्प्ले का प्रॉब्लम है जिसके वजह से साइकिल चालू नहीं हो रहा है, तो ये जो डिस्प्ले है वो चेंज करना पड़ेगा। अब डिस्प्ले चेंज कैसे करते हैं, ये डिस्प्ले का जो वायर है यहाँ पे कुछ अलग से प्लग नहीं है कि आप यहाँ से प्लग निकालो, डिस्प्ले रिप्लेस करो और प्लग कनेक्ट करो, ये वायर डायरेक्टली पूरा नीचे जाता है कंट्रोलर तक। तो व्हाट ही सजेस्टेड वाज कि आप नया डिस्प्ले मंगा लो और यहाँ से वायर काट के वो मुझे बताएंगे कैसे लगाना है, और वायर काट के उसे इंसुलेशन टेप या हवेवर ये वायर यहाँ पे लगा लेना। मैंने पूछा कि ओके, सिंस साइकिल वारंटी में है, तभी 1 साल भी नहीं हुआ था साइकिल को, तो मुझे डिस्प्ले कंपनी भेजेगी फॉर फ्री राइट? एंड द पर्सन सेड नो कि पार्ट्स वगैरह फ्री में नहीं है, वारंटी में इंक्लूडेड नहीं है, तो मुझे यह डिस्प्ले अलग से ख़रीदना पड़ेगा। उसका प्राइस आई डोंट रिमेंबर वॉज 2,000-2,500 समथिंग लाइक दैट। वो टाइम पे मैं डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि एक तो मैं एक्सपेक्ट किया कोई घर पे आके ठीक करके जाएगा, फिर मुझे समझ रहा है कि मुझे एक पार्ट भी रिप्लेस करना पड़ेगा, पार्ट भी वारंटी के अंदर होते हुए भी इंक्लूडेड नहीं है, फिर ना ही कुछ प्लग एंड प्ले टाइप है, उसे पूरा वायर से इधर उधर काट कूट करके लगाना पड़ने वाला है। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, मैं वापस रिकनेक्ट करता हूँ सब चीज़ें एंड सोच के आपको बताता हूँ हाउ टू गो अबाउट विद इट। एंड जब मैंने सब कुछ रिकनेक्ट किया, तब फॉर्चुनेटली साइकिल अपने आप चालू हो गया, विच केम एज अ सरप्राइज टू मी, एंड आई वॉज रिलीव्ड कि मुझे डिस्प्ले चेंज करने का और वायर काट कूट करने का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा। बट I got first hand experience of how the service is, what it would take to maintain this cycle in case something goes wrong. That is one thing that I didn't like about this bike or this brand per se, not the bike. और यही रीजन के वजह से गाइज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदोगे तभी टेस्ट राइड ले लेना, मेक श्योर कुछ कंपनी का शोरूम वगैरह है आपके लोकेलिटी में, जहाँ पे इन केस कुछ कभी प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली वो शोरूम में जाके आप साइकिल वहाँ पे दे सकते हो और वो शोरूम वाले आपको ठीक करके वापस दे देंगे। इट विल बी जस्ट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लेन एंड सिंपल इफ़ इट हैड बीन दैट वे। अगर आप 45,000 डालते हो तो आप नहीं चाहोगे कि इनकेस कभी कुछ आगे प्रॉब्लम आए तो आपको इतना सिरदर्द हो। बट अदरवाइज आई रियली लाइक दिस साइकिल एज अ प्रोडक्ट, मुझे ये साइकिल काफ़ी पसंद है, मज़े ले रहा हूँ। मैं होप कर रहा हूँ वापस बंद ना पड़े, कुछ प्रॉब्लम ना आए, पर रिस्क फैक्टर है इसमें कि कुछ हो जाता है तभी क्या करने का पता नहीं। और अभी बिकॉज ये साइकिल मैंने खरीदी है, आओ बहुत गंदे रास्ते, मैं वापस यू टर्न लेता हूँ, अच्छे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। और अभी ये साइकिल मैंने खरीदी करके मैं कस्टमर सर्विस वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, बट जब भी कंपनीज भेजते साइकिल तब ये सब चीज़ों के बारे में मुझे ना ही एक्सपीरियंस करने मिलता है, तो ऑब्वियसली ना ही आपके साथ शेयर करने मिलता है। जब ब्रांड भेजते थे मेक श्योर कि भैया ये साइकिल रिव्यू के लिए जा रहा है, तो अगर पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए कैमरा के सामने तो दे हैव टू मेक श्योर कि साइकिल अच्छे से आए, विच दे ऑफन डू। बट कस्टमर के टाइम पे मुझे ये एक्सपीरियंस करना पड़ा, बोलने वाला था मैं। समझ गए आप क्या बोलना चाहता था मैं।
So yeah guys, this was all I had for this video. If you enjoyed watching it, don't forget to let me know by hitting the like button. Also don't forget to subscribe so that you'll stay notified with the upcoming ones. Thank you so much for watching Maddy Coco. I will see you in the next one. Goodbye. मैं ना अनजान रास्ते पे किधर भी चलाते जा रहा हूँ वीडियो के नाद में. अब मैं एक्चुअली जाता हूँ ये एरिया एक्सप्लोर करने के लिए.